हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो हेलीसीन्स पर आधारित है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलीसीन्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सो दीज आर ऑर्थो कंडेंस्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच बेंजीन रिंग और अदर एरोमेटिक्स आर एंगुलरली एन्यूलेटेड टू गिव हेलिकल शेप्ड कायरल मॉलिक्यूल्स। इन चार लाइनों में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इजी है। मैं आपको स्ट्रक्चर से ये बात समझाती हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर से। ये है बेंजीन। बेंजीन की जो ये ऑर्थो पोजिशंस हैं, दो पास पास वाली पोजिशंस हैं, यदि इन पर एक और बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा नेफ्थलीन। यदि हम एक तीसरी रिंग को भी यहाँ फ्यूज करवा दें तो इसका नाम हो जाएगा एंथ्रासीन। इसी तरह से एक और रिंग को यदि फ्यूज करवा दें तो फिर ये टेट्रा हेलीसीन हो जाएगा। चार यहाँ पे बेंजीन वाले हैं इसलिए टेट्रा हेलीसीन, और पाँच हो गई तो पेंटा हेलीसीन या फाइव हेलीसीन, और छः हो गई तो हेक्साहेलिसिन, एंड इसी तरह से हम पढ़ाते रह सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊँ, आपने देखा कि हमेशा एक बेंजीन वाले पर जब दूसरी बेंजीन वाले जुड़ रही है तो वो ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज्ड है। तो जो हमने डेफिनेशन बताई थी उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि दीज आर ऑर्थो कंडेंस्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये हेलीसीन्स जो होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर कंडेंस हुई हुई बेंजीन रिंग्स या एरोमेटिक रिंग्स होती हैं। ठीक, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब तक तीन रिंग्स आपस में जुड़ रही हैं, एक रिंग है तो नाम बेंजीन, दो है तो नेफ्थलीन, तीन है तो एंथ्रासीन। तो जब तक तीन रिंग्स आपस में जुड़ रही हैं तब तक ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहता है रिंग्स का, लेकिन जैसे ही चार रिंग्स आपस में जुड़ती हैं इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब ये ऐसी शेप नहीं रहती है, ऐसे चारों एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती हैं, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती हैं। ये स्टेरिक रीजंस की वजह से होता है। इसी तरह जब पांच रिंग्स एक लाइन में आ जाएंगी तो वो कर्व थोड़ा और डीप हो जाएगा, थोड़ा और गहरा हो जाएगा। तो यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स को हम हेलीसीन में शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह सकते हो कि चार तक भी आप हेलीसीन नहीं कह रहे हो, कह भी सकते हो, बट एक्चुअल जो हेलीसीन्स हैं वो फाइव हेलीसीन से शुरू होता है, जब फाइव बेंजीन रिंग्स या फाइव एरोमेटिक रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्थो पोजिशन में फ्यूज होती हैं। तो ये है फाइव हेलीसीन। मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, जगह कम थी, तो मैं बोल रही हूँ कि ये कर्व जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ ये स्ट्रेट ना रह के हल्की सी कर्व्ड हो गई रिंग, और जैसे ही पांच रिंग जुड़ी तो थोड़ा कर्व गहरा हो गया है इसके अंदर, राइट। तो अब हम चलते हैं सिक्स हेलीसीन की तरफ। यहाँ आप देख सकते हो कि जो सिक्स हेलीसीन है या सिक्स बेंजीन रिंग्स जो आपस में फ्यूज हुई हैं, जिसका नाम हेक्सा हेलीसीन भी है, वो अच्छा खासा कर्व्ड स्ट्रक्चर बन गया है, हेलिकल शेप में ये जाने वाला है। अब यदि इस तरह से हम बेंजीन वलय या एरोमेटिक वलय बढ़ाते जाएं, छः के बाद सात, आठ, नौ, दस करते जाएं, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये वलय यहाँ तक थी हेक्सा हेलीसीन की, अब सात होंगे तो ऐसे, आठ होंगे तो ऐसे, नौ होंगे तो ऐसे। तो जैसे जैसे वलय जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे इसका शेप जो है हेलीसीन का वो स्पाइरल शेप होता चला जाएगा। क्यों है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हेलीसीन्स को पढ़ना? जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई तो उसमें लास्ट लाइन में मैंने बोला था कि ये हेलिकल शेप कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन एटम होना ज़रूरी है, एसिमेट्री होना ज़रूरी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर आप स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियोस देख के ये चीज़ क्लियरली समझ सकते हैं। स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिएगा तो उसमें आपको बात समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। सो
ये मॉलिक्यूल्स कैसे कायरल हैं? इनके अंदर एक भी कायरल कार्बन एटम दिखाई नहीं दे रहा है। कायरल कार्बन एटम क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज पर चार अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हों। ऐसा कोई कायरल कार्बन एटम हेलिसीन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। सब कार्बन एटम का नेचर सेम है, पर देखा ये गया कि हायर हेलिसीन्स, जैसे कि 6 हेलिसीन और उससे जो हायर नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ये 6 जो है वो नंबर ऑफ रिंग्स है। 6 वाले हैं तो इसका नाम है हेक्सा हेलिसीन या 6 हेलिसीन। 7 हैं तो 7 हेलिसीन। ये 7 को हम ऐसे बड़े ब्रैकेट में या छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, राइट? तो ऐसी क्या चीज़ हो जाती है जो इसको कायरल बना देती है, जो इसको एसिमेट्रिक बना देती है? किसी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसका एसिमेट्रिक होना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे ये कर्व्ड होते जाते हैं हेलिसिन्स, वैसे वैसे यदि आप इसकी मिरर इमेज बनाना चाहेंगे तो ये इस तरह से है, और मिरर इमेज क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे कि आप खुद ड्रॉ करके देखिएगा, ये इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये 6 रिंग्स ऐसे हो जाएंगी। जैसे अगर ये हेलिसिन है तो इसकी मिरर इमेज ये है, राइट? ये हायर हेलिसिन बनाए हैं मैंने, हेक्सा से भी ऊपर, ठीक? तो होता ये है कि ये इतना एसिमेट्रिक कंपाउंड है कि यदि मैं इस स्ट्रक्चर नंबर 1 को ऐसे ऊपर उठाकर और यहाँ रख दूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा स्ट्रक्चर नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि ये एक एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। नाउ ये स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, राइट? यानी कि अपनी खुद की मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिमेट्रिक है। तो देखा ये गया कि जो कर्व्ड हेलिसिन्स होते हैं, जो हायर हेलिसिन्स होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे कि यदि ये स्ट्रक्चर नंबर 1 डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि यदि ये वाला आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है तो इसकी जो मिरर इमेज है, जो दूसरा आइसोमर है हेलिसिन का, वो लाइट को, कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, यानी कि वो लीवो रोटेटरी होगा। तो ऑब्वियसली फिर ये कह सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो हेलिसिन्स में देखा गया कि जो राइट हैंडेड है, इसको कहते हैं इस डायरेक्शन में जब ये जा रहा है, आपके राइट हैंड की तरफ ऐसे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर राइट हैंड की तरफ जा रहा है, इसको प्लस नाम भी दिया गया है। तो ये राइट हैंडेड हेलिसिन्स जो हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड, ये इधर से घूम के आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, देन ऐसे जा रहा है, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। तो ये जो लेफ्ट स्पाइरल है, इसको माइनस से भी डिनोट करते हैं, एम से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम, ये जो है ये लीवो रोटेटरी इनेंशियमर है। तो जो ऊपर ये दोनों मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, स्ट्रक्चर 1 एंड 2, दैट इज आइसोमर 1 एंड 2, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनेंशियमर्स हैं। ये देखिए, अब की बार मैंने नाम लिख दिया है, सिंगल रिंग को बेंजीन, देन 2 रिंग जुड़ी हैं तो नेफ्थलीन, 3 हैं तो एंथ्रासीन, 4 हैं तो टेट्राहेलिसीन, एंड 5 हैं तो 5 हेलिसीन, पेंटाहेलिसीन, ठीक, और 6 हैं तो हेक्साहेलिसीन, एक्सेट्रा। अब इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज, दो तीन चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर ली है। नाउ द फर्स्ट हेलिसिन स्ट्रक्चर वॉज रिपोर्टेड बाय जेकब मीजनहीमर इन 1903 एज द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ 2 नाइट्रो नेफ्थलीन। इन्होंने 1903 में 2 नाइट्रो नेफ्थलीन का रिडक्शन किया, अपचयन किया, तो हेलिसिन को प्राप्त किया। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमको ये देखना है कि रिंग कितनी है। अगर एन नंबर ऑफ रिंग्स हैं, मान लीजिए एन इज इक्वल टू 6 है, मान लीजिए 6 नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो नाम हो जाएगा 6 हेलिसिन। 5 रिंग्स हैं, 5 वाले हैं तो नाम हो जाएगा 5 हेलिसिन, राइट? आईयूपीएसी के अनुसार ये
माना गया कि एन की वैल्यू 5 से ऊपर होगी तभी हम उसको हेलीसीन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि तभी एक प्रॉपर कर्व्ड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। उससे पहले थोड़ा स्ट्रेट रहता है, 4 तक हल्का सा कर्व आ जाता है, बट 5 में वो पूरी तरह से कर्व्ड स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। एज द नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीजेस स्टार्टिंग एट 4, द स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर टू प्रिवेंट स्टेरिक कोलिशंस। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जैसे ही 4 वलय होती हैं वैसे ही स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होना शुरू हो जाता है स्टेरिक कोलिजन रोकने के लिए। द रिजल्टिंग हीलिक्स बिकम्स काइरल डिस्पाइट ऑफ लैकिंग एसिमेट्रिक कार्बन्स एंड काइरल सेंटर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलीसीन्स जो हैं वो काइरल होते हैं जबकि उनके अंदर कोई एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल सेंटर नहीं होता है, राइट? तो इनके अंदर एक्सियल काइरलिटी होती है जो कि इनकी हैंडेडनेस की वजह से होती है, हेलिसिटी की वजह से होती है, यानी कि राइट हैंडेड शेप या लेफ्ट हैंडेड शेप की वजह से इनके अंदर काइरलिटी होती है। आई होप हेलिसिन्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।